वालेकुम। आने जा रही है चिकन कचूरी, बहुत मज़े की, बहुत ज़बरदस्त सी, खस्ता खस्ता सी। और आप खाएंगे तो आपको खुद आइडिया होगा कि बाजार से कितनी अच्छी और साफ़ सुथरी है। तो आप बनाएं और उसके साथ चलते हैं हम इसके इंग्रेडिएंट्स की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चिकन कचूरी के लिए मैंने चिकन ले लिया है और मैंने बोनलेस नहीं लिया, मैंने ले लिया है ब्रेस्ट का गोश्त और उसको मैं फ्राई कर रही हूँ। मैं बिल्कुल कीमा कीमा नहीं यूज़ कर रही, मुझे रेशेदार जो है वो ज़्यादा अच्छा लगता है, इसलिए मैं इसको फ्राई कर रही हूँ। इसके साथ बाकी इंग्रेडिएंट्स मैं आपको दिखाती हूँ। इसमें जाएगा 3 टेबलस्पून मुझे इलादा से मैदा चाहिए। इसमें मैं 2 टेबलस्पून या 3 टेबलस्पून ही ऑयल ऐड करूँगी, वो मैं आपके सामने ही करूँगी। एक बड़ी प्याज मैंने छोटी छोटी सी काट ली है। 3 अदद अंडे, अंडे ऑप्शनल है, आप चाहें तो डालें, ना चाहें तो ना डालें। 1 टमाटर, इसको भी मैंने छोटा छोटा काट लिया है। इसके साथ मैंने ले लिया है बिल्कुल 1.5 टीस्पून मैंने ले लिया है गर्म मसाला पिसा हुआ, और क्रश किया हुआ मैंने ले लिया है क्यूमन सीड यानी सफेद जीरा। और इसके साथ ही मैंने 1 टीस्पून भर के ले लिया सूखा धनिया। नमक आप उसके जायका ले लीजिएगा, मैंने 1 टीस्पून लिया। और रेड चिली भी मैंने 1 टीस्पून भर के लिए। अब मैं और 2 टेबलस्पून मैंने जस्ट ऑयल ऐड किया है और ऑयल ऐड करके फ्राई कर रही हूँ। तो मैं चिकन को फ्राई करती हूँ, फ्राई करके फिर मैं आपको दिखाती हूँ इसमें क्या क्या ऐड करना। चिकन मेरा फ्राई हो चुका है, अब मैं इसमें ऐड करूँगी टमाटर जो मैंने आपको दिखाए थे। एक बड़ा टमाटर मैंने लिया था, उसको मैं इसके साथ अच्छा सा मिक्स करूँगी। मैं इसमें नमक जो मैंने आपको दिखाया था, मिर्च, सूखा धनिया पाउडर प्लस गरम मसाला और जो मैंने जीरा क्रश करके रखा हुआ था वो ऐड कर दूंगी। और इसको मैं 5 मिनट के लिए दम दूंगी, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। इस टेबल में इसके अंदर थोड़ा सा पानी ऐड कर रही हूँ, सिर्फ इतना सा जिससे ये मसाला अच्छी तरह पक जाए और थोड़ा सा मेरा चिकन अच्छा सा गल जाए। इसको मैं दम पे रखती हूँ, फिर मैं आपको थोड़ा गल जाए चिकन, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। गोश्त मेरा गल चुका है, इस स्टेज पर मैं इसमें ये जो थोड़ी थोड़ी हड्डियाँ आपको नजर आ रही हैं वो निकाल के इसके रेशे बनाती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। चिकन के मैंने रेशे बना लिए। इस स्टेज पर मैंने जो आपको प्याज दिखाया था उसको हम ऐड करेंगे। इस सारे प्याज को ऐड करके मैं 4 से 5 मिनट के लिए दम पे रख रही हूँ। दम पे रख के फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि इसके आगे मज़ीद प्रोसीजर मुझे क्या करना है। ये मैदा मैंने 2 से 3 टेबलस्पून लिया है, इसके अंदर मैं 2 से 3 टेबलस्पून ही मैं इसमें ऑयल ऐड करूँगी और इसको मिक्सिंग करके इसको मैं आपको दिखाती हूँ। इस मैदे को मैंने तैयार कर लिया, अब इसको हम साइड पर रखते हैं। चिकन मैंने, ये देखिए मैंने आपका था 5 मिनट में दम पे रख दी। अब इस स्टेज पे मैं इसके अंदर ऐड करूँगी हरा धनिया, मैं फ्रीज हुआ ऐड करती हूँ, आप चाहें तो दूसरा भी ऐड कर सकते हैं। जो अंडे मैंने आपको बताए थे मैंने उन्हें बॉईल कर लिया, ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो ना ऐड करें। इसको मैं मिक्सिंग करती हूँ फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये मेरा आटा जो है बहुत अच्छा सा गुन चुका है, इसमें से मैं लूँगी थोड़ा सा। ऑयल चाहिए हमें फ्राई करने के लिए। इस पे वो जो मैंने अमेजा बनाया था मैदे का और घी का, उसको मैं अच्छा सा इस पे लगा के फिर अगला प्रोसीजर साथ ही आपको दिखाती हूँ। अब इस पे आप अपनी मर्ज़ी से जितना मेज़ा आपको चाहिए आप उतना इस पे ऐड करें, थोड़ा ज़्यादा वो आपकी मर्ज़ी है।
तरह से इसको बंद करना है हमें। इसको बेशक आप चाहें तो हाथ में आप इसे उठा सकते हैं। मेज़ा थोड़ा सा गर्म है, आप ठंडा करके इसको यूज़ कीजिएगा। और इस तरह से इसे फ्राई करने के लिए मैं ऐड कर रही हूँ, और मीडियम आंच पे इसको हम फ्राई करेंगे। इस तरह से मैं एक दो और बना के आपको फ्राई करके दिखाती हूँ। सेम इसी तरह से ये देखिए मैंने इसको ऊपर से किया है, और अब मैं इसको ये तैयार हो चुकी है, अब मैं इसको फ्राई करने के लिए डाल रही हूँ। मज़ेदार कचौरियाँ तैयार हैं, और घर में थोड़े से जो है इंग्रेडिएंट्स के साथ बहुत मज़े की बन जाती हैं, और बाज़ार से ज़्यादा सस्ती और साफ़ सुथरी भी पड़ती हैं। तो आप घर में बनाएं। अल्लाह हाफ़िज़।